हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण ही गुरु है, कृष्ण ही सखा है, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही राजनीति, धर्म, दर्शन और योग के पूर्ण वक्तव्य हैं। भज गोविंदम मूढ़मते। कृष्ण को समझना और उनके दिखाए गए पथ पर अग्रसर होना ही भगवत आराधन का मार्ग है। दोस्तों, सभी जानते हैं देवों के देव महादेव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। और वहीं हम जब मानते हैं श्री कृष्ण भगवान की बात, तो उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है श्री हरि भगवान विष्णु का। और श्री कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी हर घटना, उनकी हर लीला निराली कही गई है। इनके मोहक रूप का वर्णन इतने सारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। इनकी लीलाओं से कोई भी अनजान नहीं है। अपने बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की है जो कि अद्भुत है, मन मोहने वाली है। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। विष्णु भगवान के आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया और आठवें मनु वैवस्वत के मन्वंतर के 28वें द्वापर में देवकी के गर्भ से आठवें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महानिशित काल में वृषभ लग्न में हुआ और उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था। रात्रि के ठीक 12 बजे क्षितिज पर जब वृषभ लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा और केतु लग्न में विराजित थे, चतुर्थ भाव सिंह राशि में सूर्य देव विराजित थे, पंचम भाव कन्या राशि में बुध विराजित थे, छठे भाव तुला राशि में शुक्र और शनि देव विराजित थे, सप्तम भाव वृश्चिक राशि में राहु विराजित थे, भाग्य भाव मकर राशि में मंगल विराजमान थे और लाभ स्थान में मीन राशि में बृहस्पति स्थापित थे। तब भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर सभी ग्रह जब अपनी अपनी राशि और उच्च अवस्था में स्थित थे, तब श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 7 मुहूर्त के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी जिसके संयोग से जयंती नामक योग बना था। और कृष्ण जन्म हेतु भाद्रपद अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र ये मूल माना जाता है। इसके नाम से जयंती नामक योग बनता है और इसी समय आपको श्री कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव मनाना चाहिए। 8 का रहस्य है श्री कृष्ण भगवान के जीवन से। 8 बहुत बड़ा जो फिगर होता है, 8 किसको? शनि का नंबर मानते हैं हम, सो कृष्ण भगवान का भी नंबर मानते हैं नंबर 8। और मेरी भी जन्म तिथि नंबर 8 ही है, आप सभी को बताऊं। और कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना था उसमें बहुत रहस्य छुपे थे। श्री कृष्ण की 8 पत्नियाँ कही गई है। 8 उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 8 को शनि का प्रतीक मानते हैं। 8 का संयोग अष्टमी तिथि, देवकी की 8वीं संतान, 8 पत्नियां, 8वां मुहूर्त और नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं नंबर 8। और नक्षत्र सारिणी के अनुसार कृष्ण चौथे नक्षत्र रोहिणी के अर्ध चंद्रमा के साथ पैदा हुए, यानी कि 8/2। ये बहुत डिटेल है, 8 का फेरा है इनके जीवन में, बहुत सारी बात है। बाकी आपको बताऊँ, श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय मृदंग योग भी बना था जिसकी वजह से वो कुशल शासक थे, जनमानस प्रेमी थे और उनका ऋषभ लग्न में चंद्रमा था जिसकी वजह से वो जनप्रिय नेता थे, एक कुशल प्रशासक थे। उनके कुंडली में वीणा नामक योग भी बना था जिसकी वजह से गीत, नृत्य, संगीत और कला क्षेत्र में निपुण थे। और इसी तरह से पर्वत योग भी उनकी कुंडली में बना था जिसके कारण वो परम यशस्वी बने। पंचम स्थान में विराजित उच्च के बुध ने इन्हें कूटनीतिज्ञ विद्वान बनाया और मकर राशि में विराजित उच्च के मंगल ने यशस्वी योग बनाकर इनको पूजनीय बनाया। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण और इसीलिए आज युगों युगों के बाद भी हम उनका पूजन करते हैं, उनके जन्म का उत्सव बनाते हैं। और श्री कृष्ण जैसे पराक्रमी, वेदांती, धीर और सामर्थ्यवान बनने के लिए, अपने परिवार के बच्चों को ऐसा बनाने के लिए, स्वयं इनके गुण थोड़े से प्राप्त करने के लिए हम श्री जन्माष्टमी पूजन करते हैं। और जो भी मैंने इनका महात्म्य बताया, इनका यशगान किया है श्री कृष्ण भगवान का, इसको हम बार बार खुद भी सुनते हैं और अपने घर के बच्चों को भी सुनाते हैं ताकि सभी लोग इनके गुण और प्रभाव को जान सकें।
दोस्तों इनकी जिस रात को इनका प्राकट्य हुआ वो रात्रि को मोह रात्रि कही गई है, और कहा गया है कि पौराणिक शास्त्रों में कृष्ण रहस्य के अंतर्गत योगेश्वर कृष्ण को कली महाकाली का रूप बताया गया है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला अर्थात रात्रि। शब्द रात्रि रति से भी उत्पन्न हुआ माना गया, यानी प्रणय का समय, महाभोग का समय। और प्रणव का अर्थ क्या होता है? ओम, अर्थात परमेश्वर का निराकार स्वरूप। इसलिए जन्माष्टमी की रात्रि को जो भी तांत्रिक हैं वो इस रात्रि को बहुत विशेष मानते हैं। और इस रात्रि में मैंने भी आपको बहुत सारे गुप्त उपाय बताए हैं, पिछली वीडियो में बताया चाबी रखना है, इसके पहले भी आपको नींबू के उपाय भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे उपाय बता चुकी हूँ। तो इस रात्रि में जो लोग भी साधक हैं वो भी परम साधना करके तंत्र की सिद्धियाँ करते हैं, इससे सुख सौभाग्य यश कीर्ति का वरदान मिलता है। इसे कृष्ण रात्रि भी कही जाती है। दोस्तों इस रात्रि में जो भी पूजा करेंगे, जो नॉर्मल गृहस्थ हैं वो निश्चित काल में पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन जगह जगह उत्सव होते हैं, कहीं फूलों की होली खेली जाती है, इत्र के सुगंध का उत्सव मनता है, कहीं दही हांडी होती है, भगवान के विग्रह पे हल्दी दही घी तेल गुलाब जल मक्खन केसर कपूर आदि चढ़ाकर लोग एक दूसरे पर छिड़काव करते हैं। और विशेष रूप से जितने भी कान्हा के मंदिर हैं, विष्णु भगवान के मंदिर हैं, सभी को सजाया जाता है, झूला झुलाया जाता है, रास लीलाओं का आयोजन होता है। इस समय पूरे विधि विधान के साथ लोग श्री कृष्ण भगवान का षोडश उपचार पूजन करते हैं। जन्माष्टमी की रात में भगवान श्री कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम जी हो, अगर आपके भी घर पे तो सोने चांदी तांबा पीतल मिट्टी की मूर्ति हो, बड़ी हो छोटी हो कोई भी हो, आपको किसी पात्र में स्थापित करके उनका सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक कैसे करते हैं? गाय के दूध दही शहद जमुना जी का जल हो तो बहुत अच्छा, हर चीज़ में कहते हैं ना गंगा जल, लेकिन जब लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं या कृष्ण भगवान का अभिषेक करते हैं तो जमुना जी का जल यूज़ करना चाहिए। जमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए, जमुना जी के पाठ आदि करें, पंचामृत बना करके अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा करते हुए अभिषेक करना चाहिए। श्री कृष्ण को शंख में सुगंधित जल भर के अच्छे से अर्घ देना चाहिए और फिर उनको अच्छे शुद्ध जल से स्नान करा के षोडश उपचार विधि से पूजन करें। पंचामृत में तुलसी दल डाल के माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी आदि का भोग लगाइए। कृष्ण जन्म करें। जन्म कैसे कराया जाता है रात में, मैंने बताया लास्ट वीडियो में सारी जन्म विधि, पहले भी देख सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा। कृष्ण जन्म कैसे करवाएं, खीरे को फोड़ करके या उसे नाल काट करके कृष्ण कान्हा का जन्म कराया जाता है और फिर उत्सव मनाया जाता है। घर घर थाल बजाया जाता है जन्म के बाद। इसके बाद उनको जैसे मैंने बताया अभिषेक करके उनको भोग लगाइए। भोग में धनिये की पंजीरी नारियल के लड्डू फलाहार इस प्रकार से जो भी आपने भोग बनाया आपके परिवार में लगाया जाता है वो आप लगाइए। इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन आपको अवश्य करना चाहिए, सूर्य उदय के उपरांत, सुबह जब सूर्य उदय होता है इसके उपरांत ही पारण करना चाहिए। और अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब तक जन्माष्टमी व्रत के दिन के समय पारण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और 2022 में तो दो दिन तक व्रत करने में लोग असमर्थ हैं, इसलिए 19 को कर रहे हैं। 19 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत करना शास्त्र सम्मत है और फिर 20 को सुबह आप पारण कीजिए क्योंकि तब अष्टमी व्रत पूर्ण हो जाएगा, अष्टमी तिथि पूर्ण हो जाएगी। और कहा जाता है कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है तो उपवास रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी इतनी महिमा है कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान एक जन्माष्टमी व्रत फल देता है, साथ ही साथ 100 जन्मों तक के पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन आप सभी को व्रत ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि दो तीन बातें क्लियर कर देती हूँ कि हम पूजन कर सकते हैं लेकिन हम व्रत नहीं करना चाहते, तो व्रत करने में क्या हर्ज है? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप फ्रूट्स खा करके दिन भर बिताइए, फलाहार कीजिए, सिर्फ इतना ही करना है आपको। पूजन तो
आप करेंगे साथ में थोड़ा सा अगर आप ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है, आपको उल्टा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बाकी अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप ना करें। दूसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स हैं तो व्रत करें या ना करें, बिल्कुल आप लड्डू गोपाल को छुएंगे नहीं। वैसे तो बाल सेवा होती है, कुछ लोग पीरियड्स में भी बाल सेवा करते हैं, और नहीं अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कम से कम व्रत उपवास तो अवश्य करेंगे। सारी पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भगवान की पूजन कर सकते हैं। आपको व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। जो लोग भी व्रत करेंगे, सुबह आप हाथ में तुलसी की एक पत्ती ले लीजिए और फिर आप भगवान से संकल्प करें कि आज मैं जन्माष्टमी व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और सच्चे दिल से आपका पूजन करूँगा। कोई भी भूल चूक हो पहले ही क्षमा मांग लीजिए, कोई भी भूल चूक हो तो हे प्रभु क्षमा करना। इसके बाद मैंने जैसे सारी विधि बताई है, रात में चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके, कोई चौकी लगा करके आप सारी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन में ही प्रसूति गृह आदि, दोपहर के समय झांकी आदि सजाना चाहते हैं यशोदा मैया आदि को, तो आप वहाँ पे जेल का भाव करके कर सकते हैं। नदी सुंदर सुंदर झांकियाँ जन्माष्टमी पे सजाई जाती है, तो अगर आपने भी बचपन से सजाई है या वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह की झांकियाँ सजाई जाती है, तो इस प्रकार की झांकियाँ आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। और रात में जब पूजा शुरू करेंगे तो बोलेंगे हे भगवान कृष्ण कृपा पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से कान्हा को झूला झूलाएं, गीता जी का पाठ करें, विष्णु पुराण का पाठ करें, कृष्ण लीला का पाठ करें, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इस मंत्र का इस रात्रि में जो भी मनुष्य जप करता है उसके जीवन के सारे, उसके जीवन क्या उसके मन के भी सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ ना कर सकें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है, भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इसका जप कीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ क्या आपको बोलना चाहिए, स्क्रीन पे रीड कर करके आप ये प्रार्थना को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उस रात्रि में अवश्य करें। हे प्रभु, कलयुग में धर्म के सभी रास्ते बंद हो गए हैं और दुष्ट लोग धर्म के अधिकारी बन गए हैं, संसार में पाखंड व्याप्त है, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हों। हे प्रभु, देश में दुष्ट लोगों का भय व्याप्त है, सभी लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं, संसार में संत लोग अत्यंत ही पीड़ित हैं, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हों। हे प्रभु, गंगा आदि प्रमुख नदियों पर स्थित तीर्थों का भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और सभी देव स्थान लुप्त हो गए हैं, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हों। हे प्रभु, अहंकार से ग्रसित होकर संत जन भी पाप कर्म का अनुसरण कर रहे हैं और लोभ के वश में होकर ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हों। हे प्रभु, वास्तविक ज्ञान लुप्त हो गया है, योग में स्थित व्यक्ति भी वैदिक मंत्रों का ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं करते, व्रत नियमों का उचित प्रकार से पालन नहीं करते, वेदों का सही अर्थ लुप्त होता जा रहा है, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हो। हे प्रभु, अनेकों प्रकार की विधियों के कारण सभी प्रकार के व्रत आदि उचित कर्म नष्ट हो रहे हैं, पाखंडता पूर्वक कर्मों का ही आचरण किया जा रहा है, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हों। हे प्रभु, आपका नाम अजामिल आदि जैसे दुष्ट व्यक्तियों के दोषों का नाश करने वाला है, ऐसा अनुभवी संतों द्वारा गाया गया है, अब मैं आपके संपूर्ण महात्म्य को जान गया हूँ, इसलिए केवल आप ही भगवान श्री कृष्ण मेरे आश्रय हो। हे प्रभु, समस्त देवतागण भी प्रकृति के अधीन हैं, इस विराट जगत का सुख भी सीमित ही है, केवल आप ही समस्त कष्टों को हरने वाले हैं और पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हो। हे प्रभु, मुझमें सत्य को जानने की सामर्थ्य नहीं है, धैर्य धारण करने की शक्ति नहीं है, आपकी भक्ति आदि से रहित हूँ और विशेष रूप से पाप में आसक्त मन वाले मुझ दीनहीन के लिए केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हो। हे प्रभु, आप ही सभी प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, आप ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आप ही शरण में आए हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके आश्रय श्री कृष्ण भगवान होते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती से श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा कहा गया है। तो रात्रि में पूजा करने के बाद आप इस श्लोकों का स्मरण करें। हिंदी में बताया है ताकि सभी लोग इसे आसानी से पढ़ सकें, स्क्रीन में लिखा गया है, इसको सेव करके रख लीजिए और फिर उस रात्रि में आपको ज़रूर करना है। जन्म कराने के बाद इन श्लोकों का उच्चारण करके भगवान का आश्रय लें और इसके बाद एक लोटा जल चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो मध्य रात्रि में भगवान की पूजा करने के बाद आपको जल और फल ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले दिन रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बासी फूलों का, मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग ना करें। श्रृंगार के लिए कुछ ना मिले तो उसकी जगह आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के गलत विचार, नकारात्मक विचार, क्रोध, बुरी बातें ये आपको इस दिन मन में नहीं लाना चाहिए। किसी को अपशब्द ना कहें, किसी के साथ कलह ना करें, मन खराब ना करें। मन में द्वेष पालकर व्रत का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी का भी मन दुखाने से आपको बचना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को कष्ट हो या पीड़ा पहुँचे। बाल गोपाल आपके मन की बातें जान लेते हैं और अगर आप मन में कुविचार लाएंगे तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा, व्रत के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी भोजन करेंगे फलाहार करना चाहिए। पहली बात है निर्जल व्रत किया जाता है रात्रि तक, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप दिन में फलाहार लेकर के कीजिए, रात्रि में भी फलाहार करें, लेकिन अन्न का और नमक का त्याग करना है। सेंधा नमक आप काम में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से तामसी चीज़ें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी निर्जल व्रत करेंगे वो जन्माष्टमी पर सुबह जल्दी उठ करके पानी पी लीजिए खूब सारा, क्योंकि व्रत के दौरान जल आहार भी नहीं किया जाता और पानी ग्रहण नहीं कर सकते आप। एक समय आप फल खा सकते हैं, अगर फलाहार भी करें तो आप फल खा लीजिए, लेकिन पानी पीना अलाउड नहीं होता इस व्रत में, तो इसलिए पानी नहीं पीना है। पानी आपको बहुत प्यास लगती है तो सुबह ही पी लीजिए, बाकी आपकी तबीयत देख लीजिए। अगर तबीयत ख़राब होती है तो मैं कुछ नहीं करूँगी। और चावल या जौ से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खाना है। और रात को 12 बजे के पहले आपको, अगर आपके यहाँ पे जन्माष्टमी पर अन्न का भोग भी बनता है तो 12 बजे के पहले अन्न का भोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन किसी भी के साथ भी, इंसान ही नहीं जानवरों के साथ भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से गौ माता के साथ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कृष्ण भगवान का गौ प्रेम से सभी लोग वाकिफ़ हैं, पूरा बचपन उनके लिए दिया है उन्होंने। और गौ माता की इस दिन पूजा करना चाहिए। थोड़ा सा भोग जो भी बनाएंगे वो आपको गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई है, जन्माष्टमी पर आपको तुलसी की पत्तियाँ हर भोग में ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी की पत्तियाँ तोड़नी नहीं है, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। किसी भी पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए आज के दिन। और अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन आपको तुलसी का पौधा ला करके घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में स्थापित करना चाहिए। इस दिन आपको, आप भगवान का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है तो इस चीज़ को मेंटेन आप भी करें। और श्री कृष्ण भगवान के आज के दिन दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं और इसी वजह से जगह जगह तीर्थ है, देवालय है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, देवी देवताओं के दर्शन हेतु सभी लोग जाते हैं। तो आपके भी घर में अगर लड्डू गोपाल आदि है तो घर में ही सेवा आदि करें। और एक बात को और ध्यान रखना है आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आज की रात अगर आपने घर पर लड्डू गोपाल को स्थापित किया है, झूला आदि डाला है पालना, तो आपको घर खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए जन्म कराने के बाद दोस्तों। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, आप चाहें तो मंदिर जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, आज के दिन एक अपवाद मिलता है शास्त्रों में, मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पीठ के दर्शन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के पीठ के दर्शन ना करने का नियम शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए जब भी अगर आप कान्हा के मंदिर जा रहे हैं तो ध्यान रखें भगवान कृष्ण की प्रतिमा की पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। इसके लिए एक बहुत सुंदर खूबसूरत उनकी एक लीला आती है, बता देती हूँ आपको। जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे तब जरासंध का एक साथी था असुर कालयवन, उनसे युद्ध करने आ पहुँचा। अब कालयवन कृष्ण के समक्ष आकर के उनको ललकारना शुरू कर दिया, तो श्री कृष्ण क्या किए, वहाँ से भाग निकले। बहुत पावरफुल था वो और रणभूमि से भागने के कारण ही हम श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़दास भी कहते हैं।
तब जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तब कालयवन भी उनका पीछा करने लगा और श्री कृष्ण रणभूमि में आगे भागे क्योंकि कालयवन के पूर्व जन्म के पुण्य बहुत ज़्यादा थे। श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते थे जब तक कि उसके पुण्य का बल शेष रहता था, इसलिए कालयवन श्री कृष्ण की पीठ देखते हुए भागने लगा। और इसी तरह से जब भगवान की पीठ देखी तो उसका धर्म बढ़ने लगा क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है। अब श्री भगवान की पीठ के धर्म करने से उसका अधर्म बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान एक गुफा में चले गए जहाँ मुचुकंद नाम का राजा निद्रासन में था और मुचुकंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा वो राजा की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तब कालयवन ने मुचुकंद को श्री कृष्ण समझकर उठा लिया और राजा की नज़र पड़ते ही भस्म हो गया। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करें, इससे पुण्य का प्रभाव कम होता है, अधर्म बढ़ता है और भगवान श्री कृष्ण का सदैव सन्मुख होकर यानी सामने से दर्शन करना चाहिए। यदि भूलवश आपने कभी कर लिया है दर्शन तो भगवान से याचना करें और इसके लिए कहा जाता है कि जो लोग कर लेते हैं दर्शन तो फिर कठिन एक चंद्रायन व्रत होता है वो करना चाहिए और चंद्रमा के घटने और बढ़ने के क्रम में व्रती को खान पान में कटौती करनी पड़ती है, बढ़ोतरी करनी पड़ती है, इसको चंद्रायन व्रत कहते हैं। और अमावस्या के दिन निराहार रहना पड़ता है, पूर्णिमा को व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस दिन आपको सब पूजा करने के बाद एक छोटा सा तीन उपाय बताऊंगी, वो आपको अवश्य करना है। एक मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि घर की चाबी भगवान को अर्पित करनी है। दूसरा, गाय के घी में इत्र मिला करके इस रात्रि में आप जब सोने जाएंगे भगवान को शयन कराएंगे उसके बाद वहीं पर जला दीजिए। अष्टमुखी दीपक आप चाहे तो माटी का या कच्चे गोबर मिट्टी का एक दीपक मैंने बताया लास्ट वीडियो में, वो आप गेट के बाहर जलाएं। और एक आठमुखी दीपक, आठ मुख वाला या एक ही दीपक में आप आठ बाती आठ डायरेक्शन में कर दीजिए। घी से उस दिए को आपको भगवान के सामने जलाना चाहिए और एक कटोरी में थोड़े से कपूर चढ़ा के रख दीजिए। अब जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे वो डब्बा भर के कपूर आप मिक्स करके रख लीजिए। और अगर आपके घर में पति पत्नी में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो 40 दिन तक लगातार आप इस कपूर को अपने बेडरूम में चढ़ा लीजिए, आप देखिए कैसा करामात आपके जीवन में होता है। दोस्तों जैसे कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप को नष्ट करने वाला होता है, अद्भुत वरदान के रूप में होता है। हजार एकादशी व्रत रखने के पुण्य के बराबर का होता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जानबूझ करके जन्माष्टमी का व्रत नहीं होता वो क्रूर राक्षस होता है और उसका जीवन धीरे धीरे राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। इस दिन से लड्डू गोपाल आपके घर पे आते हैं, उस दिन से आपको ये एहसास करना चाहिए कि आपके घर के एक और सदस्य बढ़ गए, उन्हें एक मूर्ति के रूप में स्थापित ना कर दिए, भाव से उन्हें अपने घर में सदस्य की तरह उनके साथ बिहेव करें। ध्यान रखें जिस दिन से घर में आपके लड्डू गोपाल का प्रवेश हो जाता है उस दिन से वो घर लड्डू गोपाल का हो जाता है। इसलिए मैंने बताया लास्ट वीडियो में अपने घर की चाबी एक बार उन्हें सौंप करके देखिए। आज तक अगर आप परेशान हैं सारी जिम्मेदारियां खुद से उठा उठा कर आपसे और नहीं हो रहा तो कान्हा को अपने घर की चाबी देते हुए प्रार्थना करें कि हे कान्हा अब इस घर का बीड़ा तू ही संभाल। इस रात्रि में जन्माष्टमी की रात्रि में सच्चे दिल से कीजिए दोस्तों और देखिए आप कैसे आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ लड्डू गोपाल अवश्य अपने आप ही दूर करेंगे। जिस तरह परिवार के सदस्य को आप सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर रात में भोजन देते हैं, समय समय पर लड्डू गोपाल को जो भी सात्विक का भोग बनाते हैं उन्हें भी देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। रोज स्नान कराइए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनाइए, नहलाते भी हैं लड्डू गोपाल को तो ध्यान रखना चाहिए ठंडे ठंडे पानी से, ठंड में ना नहलाएं, हल्का सा सुसुम पानी जैसे अपने बच्चे को नहलाते। इस प्रकार से दोस्तों आप पूजा पाठ मंत्र जब बाद में लड्डू गोपाल की सेवा सच्चे दिल से करनी चाहिए और इस दिन जन्माष्टमी की रात्रि आप करके देखिए, लाला को सच्चे दिल से मना के देखिए दोस्तों, आपकी घर की परेशानियाँ अवश्य दूर हो जाएंगी। उन्हें खिलौने भी दे सकते हैं आप, कभी कभी भगवान को खिलौने भी प्रिय होते हैं और खेले भी भगवान के साथ कभी कभी बैठ के खिलौने जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे अवश्य खेलना चाहिए और उनको एक नाम अवश्य दें। दोस्तों आप उनके साथ कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, पुत्र पिता गुरु जो भी आपकी इच्छा उस हिसाब से आप नाम दीजिए और इस प्रकार से सेवा कीजिए और जन्माष्टमी की रात उनका जन्म करके उत्सव मनाइए। दोस्तों सभी लोगों में प्रसाद का वितरण कीजिए और खूब शांति से सच्चे दिल से
कुछ ना कर सकें। लेट सपोज आप इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर देशों में रहते हैं, तो सच्चे दिल से कम बैठ करके उस जगत गुरु का नाम लीजिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। देखिए आपकी आधी से ज़्यादा कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाएगी। एक बार विश्वास के साथ इस बार इस जन्माष्टमी को मनाएं, और ध्यान रखें जब भी कृष्ण मंदिर आदि जाएं पीठ के दर्शन ना करें दोस्तों, ये बहुत बुरा होता है, आपके जितने पुण्य होते हैं उनका नाश होता है, इसलिए ऐसा ना करें। और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग इस समय प्राय प्राय कृष्ण मंदिरों में दौड़ते हैं और फिर परिक्रमा आदि लगाते हैं, तो ध्यान रखें अगर परिक्रमा खुली पीठ हो तो आपको नहीं लगाना है, सामने ही अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा कर लें, ये काफ़ी होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक 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 बधाइयाँ। आलकी पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, आलकी पालकी जय कन्हैया लाल की। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।